बीजेपी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा जिला स्तरीय ई चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के विषय पर आयोजित ई शिविर में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने संबोधित किया। शिविर को लेकर लाल सिंह आर्य ने कहा कि हमारी सरकारों की योजनाएं गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य गरीब होते हैं। अंत्योदय को मजबूत बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में छठवें सत्र में गरीबों का सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और सरकार की योजना, इस विषय पर मुझे संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपके सामने ये कह सकता हूँ, देश में 57 साल कांग्रेस की सरकार रही और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ कांग्रेस ने सदैव गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन ना गरीबी हटाई ना उनका उत्थान किया। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया बल्कि गरीबी हटाने के प्रयत्न किए, और इसलिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि चाहे उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसानों को सम्मान निधि हो, चाहे आपका गैस कनेक्शन देने का काम हो, चाहे मकान बनाने का काम हो, चाहे बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे पीने का पानी पहुंचाने का काम हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, इन सभी योजनाओं में गरीब हमारा लक्ष्य है, गरीबी हटाना हमारा संकल्प है।